हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 7 को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा 12th क्लास के एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें हम टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। उसमें तृतीय क्रियाकलाप में हमने कल व्यापार वाणिज्य और परिवहन के बारे में डिस्कस कर लिया था, और संचार के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हम दूर संचार के बारे में डिस्कस करना हमारा बाकी था। और उसके बाद में हम जो सर्विसेज है और चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप है उसके बारे में देखेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा डीप कुछ है नहीं, तो एक बार हमारे जो माइंड में जो एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्वार्टरनरी, इनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले हमसे तो हम अच्छे से उसको राइट कर सकें। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें दे रही, फॉर एग्जाम्पल दूर संचार क्या है। ठीक है, अब दूर संचार के बारे में है कि आप सभी को पता है कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट है या कौन कौन से फैक्टर है। फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी कम्युनिकेशन है, जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी दो स्थानों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको कनेक्ट करे, ठीक है, फिजिकली ना होकर। तो दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है, यानी जो विद्युतीय प्रौद्योगिकी है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद में दूर संचार का डेवलपमेंट हुआ है। संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। ठीक है, जो टाइम था ए स्थान से बी स्थान पर मैसेज पहुंचाने का, उसमें रिड्यूस कर दिया टाइम को। तो समय शब्दों से मिनटों में घट गया है, और मोबाइल दूरभाषा जैसी नूतन उन्नीत ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार, जो तार प्रेषण है, और मॉर्स कोड है, टेलेक्स है, अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बनी रह गई है। ठीक है, तो पहले पहले के जमाने में होता था ना, मतलब तार भेजा है ऐसे बोलते थे, मैसेज भेजा है, तो तार, वो तार के माध्यम से मैसेज भेजते थे किसी स्थान से बी स्थान पर। ठीक है, तो वो चीजें अब लगभग डिसअपेयर हो चुकी है। आगे है रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाषा कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं का प्रसार करते हुए, और इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है, वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। ठीक है, अब जो समाचार पत्र है उसमें क्या होता है, एक तो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और एक जो एंटरटेनमेंट बेस्ड जो न्यूज होती है, उसके बाद में जो पजल्स टाइप की न्यूज होती है, तो इसकी वजह से इनकी इम्पोर्टेंस आज भी बनी हुई है। ठीक है, और लोग पसंद करते हैं ज्यादातर इन एडिटोरियल को पढ़ने में। ठीक है, और उसके बाद में जो उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है, उनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचनाओं का प्रसारण करता है। ठीक है, और उसके बाद में इंटरनेट ने तो वैश्विक सेवाओं में वास्तव में क्रांति ला दी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में पहले जियो नहीं था, जियो से पहले इंडिया की जो इंटरनेट लिटरेसी थी वो बहुत कम थी। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट लिटरेसी है वो हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, जो एसेसिबिलिटी है इंटरनेट लिटरेसी की वो पहुंच रही है लोगों तक। नेक्स्ट है सेवाएं। ठीक है, अब ये सेवाओं में है मौद्रिक, बीमा, अचल संपत्ति, संपदा और व्यक्तिगत और व्यवसाय। तो सेवाओं में है कि सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को, उदाहरणतः परिवहन तंत्र। ठीक है, तो इसमें है कि कुछ इंडिविजुअल बेस्ड है, और कुछ जो सेवाएं हैं वो इंडस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, और कुछ दोनों पर आधारित है। ठीक है, तो ये सेवाओं का बेसिक फंडा है, जिसमें आगे बोला कि निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट, उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सक,
जैसे अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत सेवाएं हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तियों व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है, यानी जो व्यक्ति पे करता है किसी सर्विस के लिए उसी को वो सर्विस मिलेगी। ठीक है, आगे है माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं, अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। ठीक है, ये नाई है यानी हेयर कटिंग करेगा। ठीक है, धोबी का काम है कपड़े धोने का और माली का काम है खेती करने का। ठीक है, तो ये जो पारिश्रमिक होता है हाथ पांव ज्यादा चलाते हैं कहने का मतलब। ठीक है, उसके बाद में अध्यापक है, वकील है, चिकित्सक है, संगीतकार है और अन्य जो स्पेशलाइज्ड बेस्ट है वर्किंग है वो मानसिक श्रम है। ठीक है, वो दिमाग ज्यादा चलाते हैं। ठीक है, वो काम के नेचर के अकॉर्डिंग है कि आपको हाथ चलाना है या दिमाग चलाना है उसके अकॉर्डिंग। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई है, महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशामक विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा प्रेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवा में से है। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल जो अग्निशामक विभाग है, ठीक है, शिक्षा की पूर्ति के संबंध में है, ठीक है, पर्यवेक्षण से संबंधित है, ठीक है, ग्राहक सेवा से संबंधित है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिनका पर्यवेक्षण एवं निष्पादन प्राय सरकारों अथवा कंपनी द्वारा किया जाता है। राज्य और संघ विधान ने परिवहन, दूर संचार, ऊर्जा, जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाई के लिए अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका एक फिक्स काम रहता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है, हमें वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवानी है, और यदि इनमें कोई मिस्टेक आती है तो उनको दूर करनी है। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। ठीक है, अब जो कमर्शियल सर्विस है जो कौन कौन सी है, हेल्थ की, हेल्थ से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, ठीक है, लॉ से संबंधित हो, मैनेजमेंट से संबंधित हो, ये सारी कमर्शियल सर्विस है। मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्रों, ठीक है, सीबीडी के अंदर अथवा निकट हो सकती है। अब सीबीडी क्या होती है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी में वेरियस जो अर्बन डेवलपमेंट का मोड है, ठीक है, उसमें जो वेरियस स्कॉलर है जिन्होंने कौन थ्योरीज दी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्ड उल्मान ने दी है, और इसी तरह जो अलग है कॉन्सेंट्रिक जोनल मॉडल है, तो उनमें सीबीडी का जिक्र है, ये डीप पोर्शन है। ठीक है, तो सीबीडी में ज्यादातर जो कहने का मतलब सर्विस का मूल्य है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, एक्सपेंसिव सर्विसेज मिलती है। ठीक है, जैसे दिल्ली में कैनॉट पैलेस, ठीक है, उसको सीबीडी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा कम हो। ठीक है, अब सीबीडी में क्या है कि प्राइस हाई रहती है लैंड की, ठीक है, लेकिन गोल्फ कोर्स के लिए ज्यादा लंबा एरिया चाहिए, लंबा चौड़ा भूभाग चाहिए, तो उसके लिए वो कहीं सीबीडी से दूर जो ट्रांजिशनल फेज होता है वहां पर से जो गोल्फ कोर्स है उसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मौची, गृहपाल, खानसमा, माली जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का ये वर्ग असंगठित है। अब आपको पता होना चाहिए कि संगठित और असंगठित वर्ग क्या होता है, तो थोड़ा आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो असंगठित वर्ग जो वर्ग वो होता है वर्किंग क्लास का, जहाँ पर कोई निश्चित वर्किंग कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, आपको कुछ लिमिट में पे किया जाएगा, कुछ जो वर्किंग कंडीशन है वो अस्थिर होती है, कभी आप ए स्थान पर हो और दूसरे दिन आप बी स्थान पर मिलोगे। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हैं जिसमें देखो पहला मोची हो गया, फिर गृहपाल हो गया, फिर खानसामा हो गया, माली हो गया, इनका काम स्थायी नहीं है। ठीक है, तो ये असंगठित है। ऐसे एक उदाहरण मुंबई का डब्बा वाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, अब ये एक डब्बा वाला सेवा का एक पिक है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इस ट्रे में जो टिफिन डाले हुए हैं खाने के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमी जीडीपी का रेशियो है उसमें जो प्रोडक्शन की पार्टिसिपेटिंग रेट है उसके अनुसार लोगों की संख्या क्या है। ठीक है,
आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाज में उपलब्ध होती है। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में संलग्न होता है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इन सेवाओं में संलग्न रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक हम यूएसए का एग्जाम्पल लें और दूसरा हम किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री का लें, फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया का ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यूएसए में क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो इसमें जो प्राइमरी सेक्टर में खेती ज़्यादा होती है तो यूएसए में मुश्किल से 10% के आसपास होगा, एक आइडियली माने। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री होगी, तो इंडस्ट्री यूएसए में थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंड की हुई होती है, तो मान लेते हैं कि इंडस्ट्री का लगभग परसेंटेज है यूएसए में वो 40% के आसपास है। ठीक है, अब 10% प्राइमरी से हो गया, 40% सर्विस सॉरी इंडस्ट्री से हो गया, तो जो टर्सरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसमें लगभग 50% जो आउटपुट है जीडीपी में वो तृतीय क्रियाकलापों से जाता है। ठीक है, वहीं नाइजीरिया में लगभग एग्रीकल्चर पे, प्राइमरी सेक्टर पे लगभग 50% पॉपुलेशन डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद में 30% पॉपुलेशन सर्विस सॉरी सेकेंडरी सेक्टर में है। ठीक है, उद्योगों के सेक्टर से है, और जो टर्सरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, तो नाइजीरिया में लगभग 20% के आसपास है। 20% से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ज़्यादा है नहीं। ठीक है, और जो नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट है उनका, जैसे माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, जो अंडर डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, तो इनकी वजह से ये डिफरेंस रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 50% ही माना, लेकिन ये 75% से अधिक है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, 75% यहाँ हो गया तो यहाँ मुश्किल से 5% से कम होगा। ठीक है, और जो बाकी बचा है 20% वो यहाँ होगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में ये अपरिवर्तित अथवा घट रही है। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर में रोजगार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक क्वालिफाइड लेवल का वर्ग है सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब द्वितीयक सेक्टर में क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, मशीनरी आई और लोगों को छुट्टी दे दी। उसी प्रकार जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, एग्रीकल्चर है, ज्यादा आउटपुट है नहीं तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। ठीक है, अब कुछ चयनित उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है पर्यटन। ठीक है, अब पर्यटन को एज ए मतलब एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार को व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य के लिए की जाती है। ठीक है, कुछ पंजीकृत रोजगार तथा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से ये विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। ठीक है, जो पर्यटन है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, आजकल हाईलाइटेड है। इनके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। अब जो एक फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट है, पॉइंट ए है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शिमला मान लेते हैं। ठीक है, अब तो शिमला में एक तो पर्यटन से संबंधित कौन कौन से रोजगार होंगे, कि एक तो जो होटल मैनेजमेंट का है, ठीक है, और एक उनकी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उनको गाइड करने का है। ठीक है, गाइडिंग का है। ठीक है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का, ए स्थान से बी स्थान पर ले जाने का। ठीक है, और उसके बाद में कौन कौन से हैं, जैसे आवास हो गया, भोजन हो गया, परिवहन हो गया, मनोरंजन के साधन हो गए। ठीक है, तथा विशेष दुकान है, जो जैसे शिमला में कोई चीज फेमस है, कपड़ों से संबंधित हो या खाने से संबंधित हो। ठीक है, तो उसकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे सहायक उद्योग, जो सहायक क्या बोलते हैं उनको, वर्किंग क्लास डेवलप होती है। ठीक है, पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों, ठीक है, समारी को पोषित करती है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होते हैं, क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूलन मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जो स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पर्वत चोटी पर स्कीइंग करते हैं पर्यटक। ठीक है, तो ये है पर्यटन से संबंधित। नेक्स्ट है पर्यटक प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कौसण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व में लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मनोहरी दृश्य भूमिया,
तंत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। स्मारकों, विरासत स्थलों, सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक नगर में हम जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरिस है, लंदन है, ठीक है, तो इस टाइप की जो सिटीज है वो ऐतिहासिक महत्व रखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जिसमें पहला है मांग। ठीक है, विगत शताब्दी से अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। विगत शताब्दी से अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। ठीक है, मानो कि पहले लोग वर्क पर ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि लोग जो 10-15 दिन की एक छुट्टी लेके, ठीक है, ट्रिप पर निकल जाते हैं पर्यटन के लिए। ठीक है, आसपास वाले जो फेमस लैंडस्केप है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है परिवहन। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्र का आरंभ हुआ है। बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है। हाल के वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरणतः वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घर से विश्व के कहीं भी जाया जा सकता है। पैकेज अवकाश के प्रारंभ ने लागत घटा दी है। ठीक है, अब पहली चीज तो यहाँ पे बोली है कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी डेवलप हुई है, उसकी वजह से लोग अपनी जो पर्सनल कार है उसकी वजह से घूमने निकल जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है जो वायु परिवहन है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में उड़ान स्कीम आई थी, ठीक है, उसमें जो रीजनल कनेक्टिविटी है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो अब कुछ ही मतलब घंटों में इंडिया के किसी भी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये उड़ान जो योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद में पैकेज अवकाश है। ठीक है, तो कोई कंपनियां होती है वो आपको कुछ दिन के वर्किंग के बाद में, कुछ महीनों के वर्किंग के बाद में आपको एक हॉलीडे ट्रिप गिफ्ट के रूप में देती है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब पर्यटन आकर्षण के जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है जलवायु। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए उष्ण एवं धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, अब जो यूरोपियन कंट्रीज है वो जो उष्ण कटिबंधीय देश है, वहां पर जो बीच है, ठीक है, समुद्री किनारे है, वहां पर आके अपना जो पर्यटन का टाइम है वो बिताते हैं। ठीक है, दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन का महत्व तो यहाँ के एक मुख्य कारण है। ठीक है, अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि, निम्न वर्षा की दशाएं होती है। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु जरूरतें होती है, जैसे या तो अपनी गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण। ठीक है, तो ये बेसिकली उनके दो रीजन रहते हैं कि या तो जहाँ पे ऊंचा तापमान हो या फिर स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण। ठीक है, जैसे हिमावरण का मतलब है जो चादर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बर्फ की चादर है और यहाँ पे ये स्कीइंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में भूदृश्य, कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ है पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्र तट, मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो नेचुरल लैंडस्केप है। इतिहास एवं कला, किसी क्षेत्र के इतिहास और कला के संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातन के स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों, गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है वो रिच है। ठीक है, यहाँ पे किले हैं, महल हैं और अन्य भी जो युद्ध स्थल है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इतिहास एवं कला का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो मेन है राजस्थान में। नेक्स्ट है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। ठीक है, मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले लोगों का पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरत को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटका में मेडिक केयर और कुर्ग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कर्नाटका में मेडिकेयर और कुर्ग किसके लिए फेमस है।
आपको चार ऑप्शन दे देंगे, कॉफी उत्पादन के लिए, लो आइस उत्पादन के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए, या कोई तीसरा एक और एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, तो या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से पुटअप हो जाते हैं कोई पता नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटका में मेडिकेयर और कुर्ग है जो इसके पर्यटन उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। अब नेक्स्ट है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, जो मेडिकल टूरिज्म है इंडिया का उसके बारे में बात कर रहा है कि 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए, संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों असहाय कर्मियों की तुलना में ये संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है, महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये मेडिकल टूरिज्म है। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वाचन में बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वाचन और प्रासर्वे परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से लोग डेवलपिंग कंट्रीज में अपना जो इलाज है वो करवाने के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो इंडिया जैसे देश में यहाँ पे जो इलाज होता है वो बहुत ही कम पैसों में हो जाता है, ठीक है, और जो इलाज की जो गुणवत्ता है, ठीक है, बोलें क्वालिटी बोलें, ठीक है, कहने का मतलब जो ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी है वो लगभग 100% रहती है, ठीक है। तो इस वजह से लोग है जो विकासशील देशों में जैसे भारत है, स्विट्जरलैंड, जो इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया, इन देशों में अपना इलाज करवाने आते हैं, ठीक है। तो चिकित्सा पर्यटन, अब जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबंध कर दिया जाता है तो इसमें सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात और है कि जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन का मतलब केवल मनोरंजन नहीं होता है या कोई घूमना फिरना नहीं होता है, ठीक है। अब पर्यटन का जो मतलब है वो मनोरंजन हो सकता है, वो चिकित्सा पर्यटन हो सकता है यानी मेडिकल टूरिज्म, वो शिक्षा से संबंधित पर्यटन हो सकता है यानी जो एजुकेशन टूरिज्म बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में कोई रिसर्च बेस्ड जो टूरिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, किसी स्थान से भाई स्थान पर कोई रिसर्च के लिए जाते हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो पर्यटन जो एक टर्म है इसमें बहुत सारे सब क्लोज आते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के टूरिज्म रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप था और अब हम चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। अब चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में है कि कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं चिकित्सकीय प्रतिलेखक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बीच क्या समानता है। ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें बोली है, एक तो बोली है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है किसी कंपनी का, और यह दूसरा है चिकित्सकीय प्रतिलेखक, ठीक है, जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होता है, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है दो, ठीक है, इसमें स्पेशलाइज्ड चाहिए, ठीक है, सेक्टर जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी है, अब कंपनी का जो सीईओ है, ठीक है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका अनुभव है मैनेजमेंट का, कंपनी चलाने का, ठीक है, और जो वर्ल्ड लेवल पर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ब्रांचेज है उनको मैनेजमेंट करने का, तो आप देख सकते हैं कि इस वर्क में कितनी एफिशिएंसी चाहिए, कितनी इंटेलिजेंस चाहिए, ठीक है, जो IQ EQ की बात करते हैं, ठीक है, या जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट है, ठीक है, उसमें भी कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, उसका अनुभव कितना होगा, उसने फील्ड में कितना वर्क किया होगा, तो इसके आधार पर वो ज्ञानोमुखी कहने का मतलब नॉलेज, हाई नॉलेज बेस्ड जो वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। इस सेक्टर को चतुर्थ एवं पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें पता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्वार्टरनरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज यानी चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस कम है, क्वेश्चन आजकल यहीं से बनते हैं, ठीक है, और पंचम क्रियाकलाप से तो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
चतुर्थ क्रियाकलापों में से कुछ निम्नलिखित है, जैसे सूचना का संग्रहण, ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उत्पादन यानी प्रोडक्शन करना, प्रकीर्णन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाना, ठीक है, और उसके बाद में सूचना का उत्पादन भी, ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये सूचना से संबंधित जो भी रख रखाव है, संग्रहण है, उत्पादन है, प्रकीर्णन है, ये हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड जो एक्टिविटीज होती है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आती है। और विशिष्टीकृत ज्ञान प्रौद्योगिकियां कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंधित सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप है। अब यहाँ पे इनबॉक्स दे रखा है कि आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ चतुर्थक सेक्टर ने सभी प्राथमिक और द्वितीय से रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत है, तथा पारस्परिक कोष म्यूचुअल फंड है, उसमें प्रबंधकों से लेकर कर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों व डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों से काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी एक्टिविटीज में बात करते हैं, माना कि आयरन ओर का हमने माइनिंग की, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ, जो आयरन ओर है उसे स्टील बना लिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब टर्सरी या सर्विस सेक्टर में क्या होता है, जो आयरन ओर या स्टील बनाया है उससे हम जो फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन बनाई है उसका उपयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सूत काटने की मशीन है, ठीक है, जो हमें कॉटन इंडस्ट्री में, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, उसमें उस मशीन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या होगा कि इस मशीन में एडवांसनेस क्या लानी है, नवाचार क्या लाना है, जिसकी वजह से जो सूत कातने की एफिशिएंसी है, ठीक है, जो धागा बनाने की प्रक्रिया है, कितना महीन और स्ट्रॉन्ग धागा बनाया जा सके, इस पर रिसर्च करना है हमें, ठीक है। तो ये आएगी चतुर्थ क्रियाकलाप में, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे हायरार्की क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कुछ तृतीय क्रियाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा अन्य रूप से बाजार द्वारा स्थानिक अर्थ नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब इन्हें एनवायरमेंट इंपैक्ट नहीं करता है और बाजार द्वारा स्थानिक अर्थ नहीं होती है, ठीक है। तो ये सेवाएं कहीं से भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कोई इंडिया में कोई कंपनी की ब्रांच है, माना कि यूएसए की सिटी न्यूयॉर्क में कोई कंपनी का सीईओ बैठा है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा है किसी कंपनी का, एक्स वाई जेड कंपनी का, और उस कंपनी की ब्रांच इंडिया के मुंबई शहर में है, ठीक है। अब कोई जो इंडिया में ब्रांच है कंपनी की, इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट हायर करने हैं या फिर ऐसा कोई और एक सब ब्रांच खोलनी है, फॉर एग्जाम्पल जयपुर में, ठीक है, तो जो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो जयपुर की कंडीशन देखेगा और इसकी जो मार्केटिंग डिमांड है वो देखेगा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में वो डिसाइड करेगा कि जयपुर में ब्रांच खोलनी है या नहीं खोलनी है। तो ये न तो एनवायरमेंट पे बेस्ट है और न ही बाजार द्वारा स्थानिक अर्थ है, ठीक है। स्थानिक अर्थ का मतलब है कि कंसंट्रेशन किसी बाजार में जाकर देखना, ठीक है, ये चीजें नहीं होती वहां पे, वो ऑफिस में ऑनलाइन बैठे बैठे सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है पंचम क्रियाकलाप, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे थे, बाह्य स्रोतन, ठीक है, इसका मतलब क्या देख लेते हैं, ठीक है। बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंप देना, ठीक है। तो जो होता है ना कि हम मकान बनाते हैं, ठीक है, मकान बनाने के लिए एक तो हम पर्टिकुलर कारीगरों के साथ बैठकर मकान बनाएं, ठीक है, उनके उनका ध्यान रखें, उनकी डिमांड को पूरी करें और देखें कि कहीं गलती नहीं हो या हमारी डिमांड के अनुसार नहीं हो, और दूसरा हम किसी कारीगर को ठेका दे देते हैं कि भाई हमें कंप्लीट वर्क चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही होता है बायस्त्रोतन, ठीक है। जब बायस्त्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इनका अप्रतन, ठीक है, ऑफशोरिंग कहा जाता है। यद्यपि दोनों अप्रतन और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण और अभियांत्रिकी भी शामिल की जाती है, ठीक है। अब आप ये चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आंकड़ा प्रक्रमण सूचना
आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसका आसानी से एशियाई एवं पूर्वी यूरोप और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम परिश्रम पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी गुणवत्ता निपुणता सॉरी अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। अतः हैदराबाद अथवा मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीकी पर आधारित परियोजना में पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है और श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से चाहे वह भारत चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो ऊपरी बहुत लागत कम होती है जिससे यह सेवा लाभप्रद होती है। ठीक है, अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ठीक है वो क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में कोई कंपनी है ठीक है और उसको अपनी सर्विस चाहिए किसी कॉल सेंटर में ठीक है, और उसमें उस कंपनी को श्रमिक ज्यादा स्पेशलाइज चाहिए ठीक है, उनको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, फ्लिश जो इंग्लिश की लैंग्वेज है वो अच्छे से बोल सके वो, और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कंप्यूटर चलाना अच्छा आना चाहिए उनको ठीक है, और कम वेतन में ठीक है, जो पे कैपेसिटी है वो कम होनी चाहिए ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यूएसए में बैठी कंपनी क्या करती है, इंडिया ठीक है या जो फिलीपींस है ठीक है, मनीला फिलीपींस ठीक है, और उसके बाद में जो बोत्सवाना है अमेरिका जो अफ्रीका की हम बात कर रहे थे, तो वहां से वो लोगों को हायर करते हैं और रीजनल लेवल पर अपने कॉल सेंटर स्थापित कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल माना कि कोई अमेरिकी पर्सन है उसको कोई प्रॉब्लम आई है ठीक है, उस कंपनी के कोई ग्राहक को प्रॉब्लम आई है तो वो फोन करेगा, तो वो फोन जाएगा सीधा हैदराबाद मनीला या बोत्सवाना के किसी सिटी सेंटर पर, और वहां से वो उस जो अमेरिकन ग्राहक है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा ठीक है। तो ये है मैन इनका काम ठीक है। अब नेक्स्ट है पंचम क्रियाकलाप। अब उच्च स्तर के निर्णय लेने ठीक है नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप को निभाते हैं ठीक है। अब ये लाइन यहाँ पे बस पंचम क्रियाकलाप की डेफिनेशन यही है ठीक है, उच्च स्तर के निर्णय लेना नीतियों का निर्माण करना पंचम क्रियाकलाप का काम है। चतुर्थ क्रियाकलाप का काम हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होता है, सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का उत्पादन, सूचनाओं का प्रकीर्णन करना अथवा सूचनाओं का प्रोडक्शन करना ठीक है। तो ये काम था चतुर्थ क्रियाकलाप का। पंचम में है इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग जैसे सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़े हुए हो और सूक्ष्म अंतर होता है ठीक है। अब पंचम क्रियाकलाप एक इनबॉक्स ठीक है इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको पढ़ते हैं पहले। पंचम क्रियाकलाप वह समय है जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना उनके पुनर्गठन और व्याख्या आंकड़ों की व्याख्या प्रयोग एवं नए प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हुआ अभी लेटेस्ट में बात चल रही है तो इनका एग्जाम्पल दे लेते हैं ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे हम एआई बोलते हैं शॉर्ट में ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेजेंट टाइम में लोगों के साथ में कैसे मेल जोल बिठाना है, इस प्रौद्योगिकी का कैसे प्रचार प्रसार करना है, इसमें क्या समय के साथ में क्या चेंजेस लाने हैं ठीक है, तो इस पे ये वर्क करती है ठीक है। प्राय स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक और उप विभाग है जो वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारी सरकारी अधिकारियों अनुसंधान वैज्ञानिकों वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है ठीक है। तो जो गोल्ड कॉलर वर्किंग होती है ठीक है, जो हाई लेवल का डिसीजन मेकर होता है और पॉलिसी मेकिंग होता है ठीक है, वो पंचम क्रियाकलाप में आते हैं ठीक है, गोल्ड कॉलर याद रखना ठीक है। तो ये है गोल्ड कॉलर श्रमिकों की पहचान कि वो पंचम क्रियाकलाप से बिलोंग करते हैं ठीक है। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि बायस्त्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत चीन पूर्वी यूरोप इजराइल फिलीपींस कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं ठीक है, आपको एग्जाम्पल तो दे दिया था पहले। इससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए, बायस्त्रोतन उन देशों में आ रहे हैं जहाँ सस्ता कुशल श्रम उपलब्ध हो, सस्ता हो और कुशल हो, यानी कि मतलब उनको इंग्लिश आती हो, बोलने की अच्छी कला हो, उनके पास में टेक्निकल थोड़ा नॉलेज हो कंप्यूटर का। ये उत्प्रवास वाले देश भी है, बायस्त्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम हो सकता है। बायस्त्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवाओं का प्रतिरोध झेल रहे हैं, प्रतिरोध का मतलब कि सोशल अनरेस्ट होता है वहाँ पे, दंगे हो जाते हैं ठीक है, बेरोजगारी की संख्या ज्यादा होती है तो समाज में ऐसे काम होते रहते हैं। उसके बाद में बायस्त्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण है तुलनात्मक लाभ ठीक है, और कंपेरेटिवली उनको प्रॉफिट होता है। पंचम सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों ने ज्ञान प्रक्रमण बायस्त्रोतन ठीक है और होम सोरिंग है ठीक है, जो बायस्त्रोतन का विकल्प है, ज्ञान
प्रकरण बायोस्रोतन उद्योग व्यवसायिक प्रक्रमण बायोस्रोतन ठीक है, बीपीओ से भी भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब एक तो होता है नॉर्मल कॉल सेंटर और दूसरा होता है थोड़ा हाई लेवल का होता है, ठीक है, बीपीओ लेवल का। ठीक है, तो उसमें उच्च कुशल कर्मी की जरूरत होती है। ये सूचना प्रेषित ज्ञान को की बायस्रोत है। ठीक है, यानी सूचना प्रेषित ज्ञान है। ठीक है, इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन बेस्ड जो नॉलेज होता है उसमें है। ज्ञान प्रक्रमण बायोस्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उपलब्ध कराने में सक्षम बनाती है। ज्ञान प्रक्रमण बायोस्रोतन के उदाहरण के में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग है, व्यवसाय अनुसंधान है, बौद्धिक संपदा है, अनुसंधान है, कानूनी व्यवसाय है, बैंकिंग सेक्टर, ये आते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन इसका जो मेन सारांश है वो ये यही है कि जो ज्ञान प्रक्रमण बायोस्रोतन कंपनियों के अतिरिक्त जो व्यावसायिक अवसर उपलब्ध करवाने में सक्षम बनाता है और उनमें जो जो एडिशनल वर्किंग कंडीशंस है या कंडीशन नहीं अपॉर्चुनिटी बोल देते हैं वो ये है कि ई लर्निंग है, व्यवसाय अनुसंधान है, बौद्धिक संपदा है। ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है, लीगल सर्विस से संबंधित है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, ये सारी सर्विस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रत्येक रंग नाम। ठीक है, ये यहाँ पे कॉलर का रंग है। ठीक है, यानी जैसे रेड कॉलर की बात हो रही हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट वर्कर है, ठीक है, सॉरी रेड कॉलर गवर्नमेंट वर्कर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है स्वर्ण कॉलर यानी गोल्ड कॉलर। ठीक है, ये पंचम क्रियाकलाप हमने पढ़ा ही था। ठीक है, कॉरनरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था और इसका काम है हाई लेवल का डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लेते हैं डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में व्हाइट कॉलर जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, एडवांस साइंटिफिक इंजीनियरिंग करेक्टर के, ठीक है, उसमें होते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप के, ठीक है, यानी स्कारलेट कॉलर होते हैं वर्कर इन द सेक्स इंडस्ट्री। ठीक है, उनको हम दूसर कॉलर वर्किंग बोलते हैं, या ग्रे कॉलर। ठीक है, अब एक ग्रे कॉलर होता है उसमें होता है एम्प्लॉयड पीपल नॉट क्लासिफाइड एज व्हाइट और ब्लू कॉलर डिजायर टू एल्डरली इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसमें है कि जो या तो न तो व्हाइट कॉलर में है और न ही वो ब्लू कॉलर में है। ठीक है, नीली कॉलर में है। ठीक है, उनके बाद में जो बचे व्यक्ति हैं वो ग्रे कॉलर में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो डिजायरेबल एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है नीला कॉलर। अब नीले कॉलर में जो व्यक्ति आते हैं वो माइनिंग नहीं सॉरी वो ब्लैक में हो जाएंगे, एक मिनट, स्किल्ड स्पेशलाइज्ड जो ग्रेट लेआउट मेकर होते हैं। ठीक है, स्किल स्पेशलाइज्ड, ठीक है, किसी भी सेक्टर में स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है, वो नीले कॉलर में आते हैं, ब्लू कॉलर में, उसके बाद में गुलाबी कॉलर। ठीक है, अब पिंक कॉलर में हिस्टोरिकली कंसिडर्ड टू वुमन, ठीक है, जो सर्विस इंडस्ट्री होती है और ये वुमन से संबंधित होता है और जो सर्विस इंडस्ट्री होती है, ठीक है, उसमें आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है और भी है चार पांच, जिसमें जैसे ब्लैक कॉलर है। अब ब्लैक कॉलर का काम क्या है, माइनिंग से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद में गोल्ड कॉलर हो गया, ब्लू व्हाइट हो गया, ग्रीन कॉलर, ठीक है, जो वर्कर होते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर होते हैं, वर्कर इन वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, और उसके बाद में ऑरेंज कॉलर। ठीक है, ऑरेंज कॉलर में जो प्रिजनर होते हैं, ठीक है, जेल में कैदी होते हैं, उनकी ड्रेस है वो ऑरेंज कॉलर की होती है। जब हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो उसमें जो कैदी होते हैं उनको ऑरेंज कलर में दिखाते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर की ड्रेस में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है वर्किंग क्लास। उसके बाद में एक है ब्राउन कॉलर। ठीक है, मिलिट्री प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी कॉलर ब्राउन होती है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ब्राउन कॉलर। और उसके बाद में नेक्स्ट एक है नो कॉलर। ठीक है, नो कॉलर का मतलब है कि कॉलर का कोई रंग नहीं है। ठीक है, तो वो फ्री स्पिलर्स होते हैं, ठीक है, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो नो कॉलर में आते हैं। उसके बाद में है न्यू कॉलर। ठीक है, एक होता है न्यू कॉलर। न्यू कॉलर का मतलब है कि डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्ट स्किल में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेशन हो रहा है तो उसमें जो व्यक्ति काम करते हैं वो न्यू कॉलर में आते हैं। ठीक है, न्यू कॉलर के अंडर में आते हैं। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है अंकीय विभाजन। अब अंकीय विभाजन क्या है इसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का विवरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है। निर्णय कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उनके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं, और इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजन विद्यमान है। उदाहरणतः भारत व रूस जैसे विकासशील देश में यह अवश्यंभावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिष्कृत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विभाजन विश्व के साथ बेहतर संबंध एवं पहुंच पाई गई है। अब अंकीय विभाजन में इस पैराग्राफ में यह बात बोली है कि जो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी जो डेवलप्ड कंट्रीज है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी का लेवल हाई है और कोई नई इनोवेशन आती है तो वो लोगों तक जल्दी पहुंच जाती है। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज में जो इनोवेशन है, एक तो उनका डिजिटल लिटरेसी भी डाउन है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया में जियो आने के बाद में डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है, ठीक है। उससे पहले बिल्कुल नगण्य थी, ठीक है, बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन थे और इंटरनेट था, ठीक है। और उसके बाद में जो नवाचार होता था वो भी काफी टाइम बाद में आता था, ठीक है। और इसी प्रकार जो सिटी रीजन है, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे है, दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई है, यहाँ पर जो डिजिटल लिटरेसी है वो वर्ल्ड क्लास की है, डेवलप्ड कंट्रीज के टाइप की है। लेकिन जो आसपास के रूरल एरिया है और जो सेमी अर्बन रीजन है वहाँ पर ये अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम अंकीय विभाजन कहते हैं, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरण है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ट जो डेवलपमेंट है उसका प्रसार कितना तेजी से हो रहा है वो बात है। ये आपको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो हर एक कोई चीज होती है वो जल्दी अडोप्ट करती है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि एक तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो ह्यूमन रिसोर्स है जो होता है उसकी लिटरेसी डाउन होती है, उसके बाद में डिजिटल लिटरेसी डाउन होती है, इंटरनेट लिटरेसी डाउन होती है, उन लोगों के पास में जो नवाचार की भावना है वो भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहने का मतलब रूढ़िवादी टाइप की सोच होती है उनकी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि अमेरिकन और फ्रेंच है, ब्रिटिश है, जर्मनी है, ठीक है, इटली है, इसमें लोगों की जो नवाचार की भावना है वो अच्छी है, कहने का वो चेंजेज को जल्दी अडोप्ट करते हैं एज कम्पेयर टू जो एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो ये है मेन अंकीय विभाजन का, कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर काम करता है यहाँ पर, कहीं पर कल्चरल फैक्टर काम करता है, ठीक है। कहीं ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर ये संस्कृति है कि वो लोग एकदम खिलाफ हो जाते हैं कि हम नई चीज अडोप्ट नहीं करेंगे, हमारी जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो ये है, कहीं पर इकोनॉमिक फैक्टर है वो वर्क करता है। तो जो अंकीय विभाजन है उसको कौन कौन सी चीजें इम्पेक्ट करती है, पहली है इकोनॉमिक जो फैक्टर है, उसके बाद में सोशियो, और तीसरा है पॉलिटिकल, ठीक है, और यहाँ पे कल्चरल भी मान लेते हैं लेकिन वो सोशल आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं वो अंकीय विभाजन को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी का 12th क्लास का, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में है। चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होते हैं, ठीक है। तो उसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में इतना ही है, चलिए, थैंक यू।